अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर मैथ्स बुक D3। द एक्सरसाइज इज 6B, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, सो लेट्स जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन वी हैव द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। The coordinates of A are -4 and -2, B is 8 and -2, and C is 2, 6. The figure is already drawn. Badi proper si figure bani bhi hai. And there are two parts of this question. In the first part, we have to find the perimeter and the area of the triangle ABC. Matlab hume perimeter bhi find out karna hai, aur hume jo hai wo is triangle ka area bhi find out karna hai. So first part mein we have to do two things. Pehle perimeter find karenge, uske baad area find karenge, aur phir keh raha hai in the second part, hence फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है ना, हेंस, हेंस का मतलब ये होता है कि ये आपको ये बता रहा है कि यू हैव टू यूज द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हेंस का मतलब यही है कि जब आपने ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है ना, तो उसके बाद अब उसको यूज करते हुए फाइंड आउट द सेकेंड पार्ट। तो हेंस का वर्ड आ जाए तो समझ लो कि भाई ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें सेकेंड पार्ट के लिए जो है ना, फर्स्ट पार्ट के आंसर को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो फर्स्ट पार्ट के आंसर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर उसमें ही गलती हो गई तो सेकंड पार्ट भी फिर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो अब ये चीज याद रखना कि हेंस का वर्ड अगर आता है ना, तो समझ लेना वो आपको एक हिंट दे रहा है कि यूज द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। अब ये देखेंगे कि भाई ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे फाइंड आउट होती है। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर और एरिया। तो पहले पेरीमीटर स्टार्ट करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स। आपके पास सारी साइड्स की लेंथ होनी चाहिए, उसके बाद आप उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको जो है वो पेरीमीटर मिल जाएगा। चूंकि ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, एंड थ्री साइड्स की लेंथ जो है ना, वो हमारे पास नहीं है। तो हमारा पहला काम ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। एंड वी नो दैट हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स बाई यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला था उसको हमने लेंथ फार्मूला भी बोला था। तो वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 6B इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में याद होना चाहिए स्क्वायर रूट होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने जो है वो क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला इज डिराइव फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए उस पर स्क्वायर रूट भी आता है और इंडिविजुअल स्क्वायर्स भी आते हैं। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। तो पहले लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स फाइंड आउट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद AB। पहले AB से स्टार्ट करते हैं। अब ए बी जो है ना, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ए बी है। ठीक है, अब ये चूंकि दिस इज प्रॉपर ग्राफ, तो ए बी की लेंथ आप जो है ना, यहाँ से जो है वो जो नंबर ऑफ आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, यू कैन काउंट देम एज वेल। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 बॉक्सेस आ रहे हैं और हमारा एक बॉक्स जो है ना वो 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है द लेंथ ऑफ ए बी इज कमिंग आउट एज 12 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उस वक्त आप बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन इस तरह स्लांट है तो यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अभी चूंकि हमारे पास लाइन ए बी इज हॉरिजॉन्टल, तो हमने जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लिए, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स और ये 6 बॉक्स हो गए। 6 बॉक्स नहीं है क्योंकि हमारा एक बॉक्स जो है वो 2 के बराबर है, तो 6 × 2। तो हमारे पास जो ए बी की लेंथ आ रही है ये 12 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार जो है वो फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है या लेंथ फॉर्मूला है उससे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वर्किंग। सिंस ए इज माय फर्स्ट पॉइंट, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो मैं ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ए इज माय फर्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4 एंड -2, बी इज माय सेकंड पॉइंट, 8 और -2 हो गया। ठीक है, लाइन की जो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपको बताती है कि व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट। इट डजेंट मैटर, तुम इसको भी फर्स्ट पॉइंट ले सकते थे, इसको सेकंड ले सकते थे, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम ही आता। तो सिंस ए इज माई फर्स्ट पॉइंट सो x1 y1, बी इज माई सेकंड पॉइंट सो x2 y2, फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट x2 - x1। x2 की वैल्यू क्या आ गई, 8, तो मैंने यहाँ 8 लिखा। माइनस आता है फॉर्मूले का, मैंने माइनस लिखा। एंड देन द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज -4, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में -4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज करके मैंने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट्स आप यूज नहीं करोगे तो फिर आपका साइन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बड़ी जो है वो मतलब इसमें ब्रैकेट्स ही होते हैं, इसमें इंटीजर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यही मिस्टेक होती है
इसके अलावा इसमें कोई और मिस्टेक नहीं हो सकती। तो द फॉर्मूला इज x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो मैंने 8 लिखा, फिर ये माइनस साइन आ गया फॉर्मूले का, x2 - व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 जो है वो -4 है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर आना चाहिए लाजमी, देन कम्स द पॉजिटिव साइन, और फिर y2 - y1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, y2 इज -2, तो ये -2 आ गया, फिर ये नेगेटिव फॉर्मूले का आया y2 - y1, तो y2 की वैल्यू जो है वो पहले से ही नेगेटिव थी, देन कम्स द नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूले का आया, और y1 भी नेगेटिव है, तो मैंने ब्रैकेट में y1 को -2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यही चीज है बस बस, बाकी तो फिर सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4 विल गिव मी 12, तो ये 12 आ गया, ये इस पे स्क्वायर आ गया, फिर पॉजिटिव साइन आ गया, ये वाला -2 एज इट इज आ गया, और फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव मी पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव 2, -2 एंड +2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जीरो आंसर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ जीरो लिख लिया, 12² = 144, 0² = 0, 144 प्लस 0 विल गिव मी 144 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल गिव मी 12 यूनिट्स। तो देखो फॉर्मूले से भी जो है वो मेरे पास 12 यूनिट्स आ गया, और सिंस ये लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो आप यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस भी काउंट कर सकते थे, 6 बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बॉक्स 2 के बराबर है तो 6 × 2 12 हो गया, तो ये 12 यूनिट्स हो गए। जल्दी से नेक्स्ट साइड जो है वो उसको उसकी लेंथ देख लेते हैं, एसी AC is, ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, तो वी हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए इज माय फर्स्ट पॉइंट, तो -4 और -2 ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसको मैंने x1 और y1 बोल दिया, सी के कोऑर्डिनेट्स 2 and 6, दिस इज x2 एंड y2, अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट x2 - x1, द वैल्यू ऑफ x2 इज 2, सो 2 माइनस x1 इज नेगेटिव, तो ब्रैकेट यूज किया, -4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, देन कम्स द साइन ऑफ प्लस, और उसके बाद y2 - y1 होता है, y2 is 6, तो 6 आ गया, माइनस ये फॉर्मूले का आया, और y1 is -2, तो ब्रैकेट में फिर -2 लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर लगा दिया, दिस माइनस विल प्लस एंड 2 + 4 विल बी 6, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज आ गया, ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो गया, तो 6 + 2 जो है वो मेरे पास 8 हो गया, 2 + 4 = 6, 6² = 36, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया, 6 + 2 8 हो गया, 8² = 64, 36 + 64 will give me 100 and square root of 100 is 10. तो AC की length जो है वो मेरे पास 10 आ रही है। जल्दी से last side की भी length find out कर लेते हैं। The length of BC, B coordinate first हो गया, 8 - 2, x1, y1, C is 2 and 6, x2, y2, again applying the formula, square root, x2 - x1, x2 is 2, so 2 minus x1 is 8, 8, bracket close, square, plus y2 - y1, y2 is 6, then comes the negative sign of the formula, और अगेन y1 इज नेगेटिव, तो एक और ब्रैकेट यूज किया, -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, 2 - 8 विल गिव मी -6, -6² प्लस 6, दिस माइनस एंड दिस माइनस पॉजिटिव, 6 + 2 विल गिव मी 8, 8² -6² मींस -6 मल्टीप्लाई बाय -6 विल गिव मी 36, पॉजिटिव 36, क्योंकि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36 प्लस 8² = 64, अगेन 36 + 64 विल गिव यू 100 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल गिव यू 10, सो द साइड द लेंथ ऑफ साइड BC इज आल्सो कमिंग आउट एज 10। अब ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड जो है वो इक्वल आ रही है, AC की लेंथ भी 10 आ रही है और BC की लेंथ भी 10 आ रही है, इसका मतलब है अ साइड अ ट्रायंगल दैट हैज टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AC की लेंथ भी 10 यूनिट्स है और BC की लेंथ भी 10 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। और आपके पास देखना एक्सरसाइज 6B में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यू हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके लिए आपको सिर्फ यही करना होता है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, अगर दो की लेंथ सेम आ रही है इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर तीनों की लेंथ सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो तीनों को ऐड कर दिया तो 12 + 10 + 10, ठीक है, 12 + 10 + 10 विल गिव अस 32 यूनिट्स। आपके पास पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास बॉक्सेस होते हैं तो हम हमेशा यूनिट्स ही यूज करते हैं, तो हमने जो है वो पेरीमीटर का यूनिट लिख दिया यूनिट, तो 32 यूनिट्स इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, इसका पेरीमीटर आ गया, तीनों साइड की लेंथ को ऐड कर दिया 32 आ गया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए द फॉर्मूला इज द सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी हमारे पास ट्राइंगल है,
हमेशा याद रखना कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है अगर कोई ट्रायंगल में, तो आप उसी को बेस लेना हमेशा, ठीक है। एरिया निकालने में आसानी हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ तीन साइड्स में से जो हॉरिजॉन्टल साइड है, जो फ्लैट साइड है, वो ए बी है। तो वी आर टेकिंग दिस एज द बेस। तो ये हमारे पास बेस हो गई, इसकी लेंथ हमारे पास है 12 यूनिट्स। तो अगर मैं ये बेस लूंगा तो हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो हाइट हमेशा जो है वो बेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर मैंने जो है वो ये बेस लिया, तो ये मेरी हाइट हो गई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन टू द बेस इज कॉल्ड द हाइट। ये हमारी बेस है, और फिर जो है वो टॉप से मैंने एक लाइन ड्रॉप कर दी, तो ये मेरी हाइट हो गई। हाइट के लिए जो है मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लूंगा, सिंस द लाइन इज वर्टिकल। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस का मतलब है ये एक बॉक्स हो गया, ये दो बॉक्स, तीन बॉक्स और ये चार बॉक्स। तो ये फोर बॉक्सेस हो गए, लेकिन आपको पता है हमारा एक बॉक्स जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर है। तो 4 × 2 हाइट इसकी 8 यूनिट्स हो जाएगी। अगर आपने 4 यूनिट्स ली तो आपका आंसर बिल्कुल जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। आपको स्केल भी देखना होता है कि भाई आपका जो ग्राफ है उसमें एक बॉक्स जो है वो कितने यूनिट्स के बराबर है। तो हाइट इज 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स की हाइट है। तो और चूंकि एक बॉक्स 2 यूनिट्स के बराबर है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2, 4 × 2 विल गिव यू 8। द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज कमिंग आउट एज 8, बेस हमारे पास 12 है। तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एरिया। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारी जो बेस है दैट इज ए बी, और उसकी जो लेंथ आ रही है 12 आ रही है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 8, और दिस विल बी 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8। 12 × 4 विल गिव यू 48। सो 48 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एरिया के यूनिट पे स्क्वायर आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ यूनिट पे स्क्वायर लिख दिया। तो द यूनिट सॉरी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज कमिंग आउट एज 48 यूनिट स्क्वायर। हमेशा इसमें याद रखना है कि आपकी जो बेस है और हाइट है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और हमेशा जो सबसे बेस्ट टिप है वो यही है कि टेक द फ्लैट साइड एज द बेस। हॉरिजॉन्टल साइड अगर आपके ट्राइंगल में कोई है, तो आप हमेशा उसी को बेस लोगे, और फिर जो है एक टॉप से, मतलब उसके सामने टॉप होगा और उसके ऑपोजिट टॉप होगा, वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करना बेस तक। तो दैट विल बी योर हाइट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा है हेंस, इसका मतलब है वी विल बी यूजिंग द वैल्यूज, या फिर पेरीमीटर यूज करेंगे या एरिया यूज करेंगे। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। तो पहले एक काम ये करते हैं, ए से बी सी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा ए है, यहाँ से हमने एक लाइन जो है वो इस तरह ड्रॉप की, और ये कहाँ तक ड्रॉप करनी है, वी हैव टू ड्रॉप इट टिल बी सी। तो ये बी सी साइड हो गई। अब ये देखो कि अगर इफ आई एम टेकिंग बी सी, अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है येलो वाली, ये एक कॉर्नर से जो है वो एक लाइन तक आ रही है। तो आई कैन ट्रीट दिस लाइन एज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर मैं बी सी को बेस ले लू, अगर इफ आई एम टेकिंग बी सी एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल टॉप से ही आ रही है। तो ट्राइंगल को अगर मैं टिल्ट करके थोड़ा सा बना लू, तो दिस विल बी द हाइट, ये हाइट बन जाएगी और ये बेस बन जाएगी। तो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। तो मैं एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, सिंस द ट्राइंगल इज द सेम, तो एरिया भी सेम ही होगा। तो मैं बस ये ट्रीट कर रहा हूँ कि नाउ आई एम फाइंडिंग आउट दिस लेंथ, जो कि एक्चुअली हाइट ही है, जो कि एक्चुअली हाइट ही है। लेकिन ये दोनों हाइट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आएंगी, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है थोड़ा सा, आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी सारी साइड बराबर तो नहीं है ना। अगर इसकी सारी साइड इक्वल होती तब इसकी हाइट सेम आती, ठीक है। लेकिन यहाँ सारी साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि हाइट जो है वो डिफरेंट आएगी। तो नाउ आई एम फाइंडिंग दिस, ये जो येलो लाइन है मुझे ये फाइंड आउट करना है, और आई एम टेकिंग दिस एज हाइट। ये मैं इसको हाइट ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो टॉप से बॉटम स्ट्रेट लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। और अब मैं बेस जो है ना वो बी सी लूंगा, अब मैं ए बी बेस नहीं ले सकता। आई विल टेक बी सी एज माई बेस। अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया जो है मुझे पता है, एरिया मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ ट्राइंगल का, द एरिया इज 48 यूनिट। सो मैंने 48 लिखा, हाफ एज इट इज आया। नाउ द बेस इज बी सी, अब ए बी नहीं है बेस, अब बेस बी सी है, क्योंकि हाइट जो है वो मेरी ये येलो वाली है। तो अगर ये हाइट होगी तो फिर डेफिनेटली ये बेस होगी। तो बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पे मैंने एल लिख दिया, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ एल लिख दिया, ए की जगह पे 48, हाफ की जगह पे हाफ, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ बी सी इज 10, 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एल, ये 2 यार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे, इट विल गेट मल्टीप्लाइड। 48 × 2 विल गिव मी 96 इक्वल्स टू, अब ये हाफ यहाँ से खत्म हो गया, 10 एज इट इज आ गया, एल एज इट इज आ गया, ठीक है। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, 10 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 96 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 9.6। सो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी इज कमिंग आउट एज 9.6 यूनिट्स।
ठीक है, तो ये अब एक चीज और तुम लोग को याद रखनी है, दो उसमें की पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टेक द हॉरिजॉन्टल और द फ्लैट साइड एज द बेस एंड हाइट एंड सॉरी एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन विल बी योर हाइट। ठीक है, दूसरे लफ्जों में बोलूं तो भाई हाइट और बेस जो है ना वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इस तरह। ठीक है, एक पॉइंट तो तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी तुम्हें बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो तो तुम देखो कि यार कोई फ्लैट साइड है, अगर कोई फ्लैट साइड है तो उसको बेस ले लो और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक लाइन टॉप पे ड्रॉ करो, तो दैट विल बी योर हाइट। ठीक है, और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, तो समझ लेना कि ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस हाइट में ये यहाँ जो चीज लिखी होगी ना दैट विल बी द बेस। तो अब तुम्हें अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, तो समझ लेना कि भाई ये मुझसे हाइट पूछ रहा है, मुझे एरिया निकालना पड़ेगा और ये जो साइड होगी ना ए ए से मुझे जो है वो ड्रॉप करना है, जिस साइड पे ड्रॉप करूंगा दैट विल बी माय बेस। इस केस में जैसे उसने बोला था ए टू बी सी, तो बी सी मैंने अपनी बेस ले ली क्योंकि ये बेस हो गई, तो फिर ये जो है डेफिनेटली हाइट हो जाएगी और फिर मैं इसको एरिया के फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो आइंदा जब भी इस तरह की लैंग्वेज यूज हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यू हैव टू फाइंड द एरिया फर्स्ट, पहले एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर तुम्हें जो है वो हाइट निकालनी पड़ेगी उस एरिया को यूज करके, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।